हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल तौफीक स्टडी जोन। आपका मेरे चैनल तौफीक स्टडी जोन में स्वागत है, मोस्ट वेलकम है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके सामने बेसिक रीजनिंग नंबर सिस्टम फॉर ऑल कंपटीटिव एग्जामिनेशन के तहत कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूँ, पार्ट थ्री। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला है बेसिक रीजनिंग। इससे पहले मैंने पार्ट वन में कुछ ट्रिक बताया था बेसिक नॉलेज के लिए, ताकि आपको रीजनिंग बनाने में आसानी हो। अगर आपने उसको गौर से ध्यान से देखा होगा तो ये रीजनिंग आपके लिए बहुत आसान होगा। तो आइए हम देखते हैं। पहला सवाल है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। इसको देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सब जितने भी नंबर्स हैं ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जो एक से बड़ा हो, और सेल्फ नंबर से या एक नंबर से या सेल्फ नंबर से डिवाइड हो उसको कहते हैं प्राइम नंबर। तो यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये देख करके आपको समझ में आ गया होगा ये प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब है 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 13, 17। तो 17 के बाद कौन सा नंबर आएगा यहाँ पर खाली जगह में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 19। 17 के बाद क्या हो जाएगा, 19। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, उसके बाद 19, यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जो या तो एक से बड़ा हो, और या तो एक नंबर से या सेल्फ नंबर से डिवाइड हो उसको कहते हैं प्राइम नंबर। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 19। 19 क्वेश्चन नंबर 2 है, 45 है, 38 है, उसके बाद है खाली जगह ब्लैंक है, उसके बाद 24 है, 17 है, 10 है, 3 है। तो यहाँ पर आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि हर एक नंबर में कुछ का डिफरेंस है, कुछ का डिफरेंट है, कुछ नंबर यानी डिफरेंस है, कुछ का फ़र्क है। तो हम इधर से अगर शुरुआत करते हैं यहाँ से, तो 3 के बाद 10 आया है, 10 के बाद 17 है, 17 के बाद 24 है, 24 के बाद यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ क्या आएगा आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए 3 में और 10 में कितना का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। तो 3 में अगर हम 7 ऐड करते हैं तो हो जाता है मेरा 10। 10 में प्लस 7 ऐड करते हैं तो हो जाता है मेरा 17। तो इसी तरह 17 में 17 प्लस 10 ऐड करते हैं तो हो जाता है मेरा क्या, 17 में सॉरी 17 में प्लस 7 ऐड करते हैं तो हो जाता है 24। 24 प्लस 7 ऐड करते हैं तो हो जाता है मेरा 31। तो यहाँ मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 31। यानी आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 31। पहला यानी 3 में 7 जोड़े 10 है, 10 में 7 जोड़े 17 है, 17 में 7 जोड़े 24, 24 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 31। 31 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 38, 38 में 7 जोड़ेंगे तो 45। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 है 5 है 11 है 17 है 23 है 31 है। इसमें भी कुछ नंबर का आपको हर नंबर में डिफरेंट है। यहाँ पर यानी प्लस किया गया है, यानी ऐड किया गया है, यानी 2 में अगर हम प्लस 3 ऐड करेंगे तो हो जाता है 5, 5 में प्लस 3 ऐड करते हैं तो हो जाता है 8। तो इसी तरह 8 में यहाँ पर 8 छूट गया है, सॉरी यहाँ पर 8 छूट गया है, 2 में 3 ऐड किए तो 5, 5 में 3 ऐड किए तो 8 हो गया, 8 में 3 ऐड करें तो 11, 11 में 3 ऐड सॉरी ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। यानी प्राइम नंबर हमने कहा था कि प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जो 1 से बड़ा हो, यानी 2 से स्टार्ट होता हो, 1 से बड़ा हो, जो
या तो एक नंबर से या सेल्फ नंबर से डिवाइड होता है, उसको कहते हैं प्राइम नंबर। तो यहाँ पर देखिए 2 है, 2 के बाद प्राइम नंबर 3 होता है, तो 3 नहीं दिया है यानी गैपिंग है। 3 के बाद 5 दिया है यानी एक गैपिंग है। 2 के बाद 3 होना चाहिए तो 3 नहीं है, 5 है। 5 के बाद यहाँ पर 7 होना चाहिए तो 7 नहीं है, 11 है। तो 11 के बाद यहाँ पर 13 होना चाहिए तो 13 नहीं है, 17 है। 17 के बाद यहाँ पर 19 होना चाहिए तो 19 नहीं है, 23 है। 23 के बाद यहाँ पर 29 होना चाहिए तो 29 नहीं है, 31 है। तो 31 के बाद यहाँ पर प्राइम नंबर हो जाएगा 37, तो 37 नहीं है। तो 37 के बाद एक अगर हम गैप करते हैं तो यहाँ मेरा हो जाता है प्राइम नंबर 41। आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया। देखिए यहाँ पर 2 के बाद 3 होना चाहिए तो 3 नहीं है, यानी एक एक गैपिंग करके है। 2 के बाद 3 नहीं है, 5 है। 5 के बाद 7 नहीं है, 11 है। 11 के बाद 13 होना चाहिए तो 13 नहीं है, 17 है। 17 के बाद 19 होना चाहिए तो 19 नहीं है, 23 है। 23 के बाद 29 होना चाहिए, 29 होना चाहिए तो 29 नहीं है, 31 है। तो 31 के बाद यहाँ प्राइम नंबर हो जाता है 37, तो 37 नहीं है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा 41। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 41। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 4 है 2, 5, 8, 11, 14, 17। यहाँ पर मैंने अभी वो चीज़ जो मैं बता रहा था कि यहाँ पर देखिए 2 में 3 यानी 2 + 3 5 हो गया, 5 + 3 8 हो गया, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17 यानी +3 सब में ऐड किया गया है, +3 यानी हो जाएगा 2 में 3 जुड़े 5, 5 में 3 ऐड किए तो 8 हो गया, 8 में 3 ऐड किए तो 11, 11 में 3 ऐड किए तो 14, 14 में 3 ऐड किए तो 17, और 17 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा मेरा 20। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर 3 यानी 20 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 20 मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 है, 12 है, 48 है, उसके बाद ब्लैंक है, उसके बाद 786 है, उसके बाद 3072 है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आप अगर ट्रिक रहे हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है। अगर हम 3 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो हो जाएगा मेरा 12, 12 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 48। समझ में आ रहा है, 48 हो गया। तो उसी तरह 48 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 4 चौके 16 3 19 यानी 192। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 192। तो यहाँ पर आंसर कौन है 192 यानी ऑप्शन नंबर 1 192। उम्मीद करता हूँ इसी तरह आप इसको 192 को भी अगर हम यहाँ पर 192 को इंटू 4 से ऐड करते मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 या 8 होगा, 9 चौके 36 के 4 में 3 192। यहाँ पर अगर 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हाँ 192 होगा। यहाँ पर अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 192 को तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 4 दुना 8, 9 चौके 36 के जवाब में 3, 4 एकम 4 3 7 7। यहाँ पर उल्टा दे दिया है, 768 होगा या 768। 4 दुना 8, 4 दुना 8 होना चाहिए, उसके बाद है 9 चौके 36 के जवाब में 3, 4 एकम 4 3 7 यानी 786। यहाँ पर ये रॉन्ग है, 768 होगा यानी 768 होगा। उसके बाद इसको भी अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ये हो जाएगा 372। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 है, 6 है, 18 है, 54 है, ब्लैंक है, खाली जगह है, 486 है, उसके बाद 1458 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें भी देखिए मल्टीप्लाई किया गया है यानी 2 को अगर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, 6 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा, 18 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 होगा। अब 54 को अगर हम
थ्री में मल्टीप्लाई करेंगे तो कि 9 4 3 12 के 2 8 में 1, 5 6 15 1 16 162। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 162, यानी ऑप्शन नंबर 3, 162, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 162। अब 162 को अगर हम 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 3 2 6 6 3 18 8 में 1, 3 1 3 2 3 6 6 3 18 8 में 1, 3 1 3 1 4, 486। आपको समझ में आ गया, उसी तरह 3 में इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये ना हो जाए 1458 होगा। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए याद दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।